नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। और आज की इस क्लास में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की ओर से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जेल वार्डर और फायरमैन की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है और इस एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आपका भी है यहाँ पर सपना तो आपको बता दें, वर्दी का सपना सच होगा अपना, बस हमारे साथ पढ़ते रहिए। और आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पर यूपी स्पेशल के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और आपकी परीक्षा में यही सब सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिएगा कि आज सर आप लोगों को इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग चैलेंज योरसेल्फ, आपके लिए एक चैलेंज की बात है यहाँ पर, यह है कि आज जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही करके दिखाना है। अगर एक क्वेश्चन आप लोग सही कर ले गए तो फिलहाल आप लोग का सिलेक्शन बिल्कुल फाइनली जो है पक्का है। तो बस तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ हैं। जितना भी आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है, इन सभी क्लास को डेली बेस पर देखते रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस लाइव टेस्ट को। आइए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। तो सर आपको यहाँ पर देखिए क्या बताना है, आपको क्या दिया गया है, लखनऊ योजना जो है संबंधित है किसके विकास से, ये आप लोग को बताना है। तो चलिए सर आप लोग बताइए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, लखनऊ योजना जो है ये किसके विकास से रिलेटेड है, चलिए बताइए। तो आइए आपको बता दें, यहाँ से हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, सड़कों से। सिर्फ आज हम आपको उत्तर बताएंगे, अगर आपको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है तो अगले प्रश्न के लिए ट्राई कीजिएगा। और आज आपकी क्लास में 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, छोटा सा टारगेट है कि 30 में से 25 क्वेश्चन आप लोग सही करके दिखाएगा। और जिसके भी 25 क्वेश्चन सही है वो कमेंट करके बताए कि सर मेरे आज यहाँ पर 25 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है, चलिए प्रयास कीजिए क्या होगा सही जवाब, ए बी सी या फिर डी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी आएगा, कोशवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए वलिया के नाम से जाना जाता है, ए बी सी या फिर डी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी है, चित्तू पांडे, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए, 17 सूचकों पर आधारित जीवन की गुणवत्ता के विकास के पैमाने पर 2017 के अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश है क्या है, ए बी सी या फिर डी। इन चारों ही यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से सही जवाब क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन सी होगा, सबसे कम विकसित राज्यों में बिहार, असम एवं ओडिशा जैसा एक राज्य, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन सी वाला आंसर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई उत्तर प्रदेश सिविल किसमें जो है आपका संवर्धन नीति 2017 पेश की गई, नीति राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। तो सही जवाब क्या होगा, चलिए आप सभी लोग प्रयास कीजिए और बताइए क्या होगा आपका सही जवाब, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चलिए आप सभी लोग बताइए। ओके, तो अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई उत्तर प्रदेश सिविल संवर्धन नीति, जैसे मैंने आपको बताया इसका आंसर क्या होगा, ये होगा आपका विमानन। चलिए इसको देखिए, ये है आपका अलग क्वेश्चन, वो सेम था आपका। अब आपको बताना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है, बताइए, ए बी सी या फिर होगा आपका डी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी है, जाट, जी हाँ। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है जाट, बिल्कुल आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही, चलिए आप लोग बताइए बिल्कुल अभी। तो इस क्वेश्चन का होगा सही जवाब महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ, दैट्स अ रॉन्ग आंसर।
तो महात्मा गांधी स्टेडियम तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित है, और यह जो है आपका 1972 में स्थापित इस स्टेडियम में अब तक 7 बार प्रथम श्रेणी के क्रिकेट मैच आयोजित किए जा चुके हैं। और ऐसे में हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल है आपका सही। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सभी लोग बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, क्या होगा राइट आंसर, चलिए आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है पार्वती आरंगा, बी है सूर सरोवर, सी है सुरालाल और डी है आपका ऊपरी गंगा नदी। तो आइए आपको बताते हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन डी है ऊपरी गंगा नदी। ये जो है हमारा राज्य हो जाएगा इसके लिए यूपी, जबकि सांबर जिला राजस्थान में। तो आपका ऐसे में राइट आंसर होगा डी वाला राइट आंसर। चलिए ये है आज की क्लास का बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सर निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इसका अर्थ है कि आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा, ना केवल भारत बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पुलिस सेवा है। और आपका परित्राणे साधुनामा विनाशाय चतुष्क्राताम यानी कि अक्षय का संरक्षण बुरे का विनाश यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्क्राताम, इसका मतलब होता है अच्छे का संरक्षण बुरे का विनाश, यही है हमारे यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य। और मैं आपको बता दूं कि 1863 में गठित उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश में करीब 236,286 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तकरीबन 198 करोड़ लोगों को सुरक्षा मुहैया कराती है। तो यह है हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अब ले चलते हैं हमारे देश के वीरों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसको बताइए उत्तर प्रदेश के किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, बताइए। सही जवाब होगा हमारे यहाँ से डी है ऊपरी गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आएगा केवल सेकंड राइट है औद्योगिक अनुमोदन। अविभाजित उत्तर प्रदेश के किस जनपद को आतंकवादियों का एक प्रजनन स्थल के अभियान से कलंकित किया जाने लगा है, आजमगढ़, अलीगढ़, पिथौरागढ़ या फिर होगा प्रतापगढ़। तो आपको बता दें फिलहाल इस क्वेश्चन को तो लोक सेवा आयोग ने हटा दिया है, फिलहाल यहाँ पर आंसर हो जाएगा आजमगढ़ दिया गया है, लेकिन अब इस प्रश्न को लोक सेवा आयोग के द्वारा हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्टार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया, ए बी सी या फिर होगा आपका डी, चलिए बिल्कुल बताइए अभी। ओके अगर आपका आंसर आ रहा है यहाँ से सी गाजियाबाद, तो होगा बिल्कुल सही जवाब, तो आपका राइट आंसर होगा गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट का, सर आप लोग को बताना है कि उत्तर प्रदेश के वर्ष 18-19 के बजट का आकार कितना है, चलिए आप लोग बताइए। हम बताएंगे आपको 19-20 का, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे वही पढ़ाएंगे। तो आपको बता दें करीब 19-20 का जो बजट का आकार है ये है आपका, इसमें दिया गया है जो 479701, तो आपको दिया गया है करीब यहाँ से 479,701.10 करोड़ रुपए, ये है बजट पेश किया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये है 19-20 का। अब देखिए उत्तर प्रदेश का वर्तमान लोक आयुक्त कौन है, और इसमें भी आपके ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के लोक आयुक्त हैं श्री संजय मिश्रा। क्या नाम है, श्री संजय मिश्रा। ओके अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित होगा, चलिए आप लोग बताइए सही जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है। सही जवाब होगा आपका बनारस वाराणसी, ठीक है। अब आपके सामने है उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और उनके राजधानियां,
तो क्या होगा यहाँ से आपका बिल्कुल सही जवाब, चलिए बताइए। तो आपको बता दें सर हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ। पांचाल अहिछत्र, कौशल साकेत, बस कौशाम्बे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आएगा 4312। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया, चलिए आप लोग बताइए। क्या आप बता पाएंगे, सही जवाब है बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न आपकी आंखों के सामने, चलिए बताइए बिल्कुल अभी। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था, चलिए बताइए। सही जवाब होगा मेहंदी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए है जापानी एनसेफेलाइटिस का उन्मूलन। चलिए इसको आप सभी लोग ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए कि आप इसका जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा और अपनी क्षमताओं को जांचते रहिएगा, देखते हैं कौन करेगा सबसे ज़्यादा सही और किसके होंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत, किसका होगा डब्बा गुल, आइए जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आएगा गंगा एक्सप्रेस वे। समाजवादी पेंशन योजना में किस वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे, चलिए सर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका सही जवाब है उपयुक्त सभी। अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, चलिए आप लोग बताइए। सही जवाब है आपका सी होगा आगरा, जबकि केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान बनारस में है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ये पुणे में है और ये होगा आपका आगरा में। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया है, तो चलिए आपको बता दें कहां पर किया गया है, आप लोग देख ही सकते हैं, आंसर भी आपका दे रखा है साथ में लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ है वह आप लोग का कहां पर है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अब आप लोग बताइए निम्न में से एक नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ यूपी में स्थित है इसको पहचानिए, क्या आप बता पाएंगे, क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुगर केन रिसर्च यानी कि IISR के अंतर्गत आता है, यह संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है, सही जवाब होगा IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुगर केन रिसर्च। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, चलिए आपको बता दें, सही जवाब होगा ऑप्शन डी है वाराणसी। भारतवर्ष का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है पंतनगर। यह है आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है, उत्तर प्रदेश में कौन सा एक जिला नहीं है, वर्तमान समय में यूपी में टोटल 75 जिले हैं जिनमें अमेठी बस्ती मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जबकि देहरादून जो उत्तर प्रदेश जिला नहीं है ये उत्तराखंड का है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो कितने क्वेश्चन आज आप लोग के सही हुए, तो जिसके भी 25 क्वेश्चन सही हुए कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताएगा, क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग बताएगा, अच्छी लगी हो चाहे जैसी भी लगी हो आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। आई होप ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से ऐसे ही जानदार और शानदार क्लास के साथ, तो बने रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्कार।